दोस्तों ये अशोक लीलैंड है और एलएस मॉडल है दोस्त, एलएस मॉडल अशोक लीलैंड दोस्त, एलएस मॉडल के रियर व्हील एक्सेल के अंदर रियर व्हील में आवाज़ आ रही है और गियर ऑयल लीक हो रहा है उसका। ये देखिए राइट का नहीं हो रहा है, लेफ्ट का नहीं हो रहा है, राइट का हो रहा है। व्हील खोलकर चेक करेंगे उसको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए खोलते व्हील, और व्हील खोलकर चेक करेंगे अंदर से कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। और देखिए व्हील के नट तो लगभग हमने लूज़ कर भी दिया और खुलना चालू है अभी, और चारों नट निकाल के व्हील निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम निकालेंगे ड्रम। देखिए ड्रम निकाल कर करेंगे चेक इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए ड्रम तो कितना हल रहा है, अंदर से प्रॉब्लम आ चुकी है उसकी बैरिंग की, और लाइनर भी पूरे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, और अंदर हब में प्ले इतना आ गया तो बैरिंग अंदर की फूट गई, अंदर की बैरिंग फूट गई। इसके लिए हमको खोलना होगा रियर एक्सल, अशोक लीलैंड दोस्त का रियर एक्सल ओपन कैसा करें, तो ये इसको इस तरह से खोलना होगा हमें। सबसे पहले इसके लाइनर शू निकालना होंगे जो कि दो स्प्रिंग दो लॉक नटों में होते, और दोनों को लॉक ऊपर के वाइशर से खोल के निकालना होगा आपको। और ये लाइनर लॉक निकल चुके हैं, उसके उससे पहले नीचे की स्प्रिंग निकालनी होगी। नीचे की स्प्रिंग इस तरह से लीलैंड दोस्त के लाइनर शू रिमो हो चुके हैं और उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब स्प्रिंग निकालने के बाद अब एक्सल में लोड नहीं रहने की वजह से एक्सल नीचे गिरा हुआ है, तो लाइनर शू जो है एकदम आराम से निकल जाएंगे। देखिए एक्सल में बैरिंग फूटने के कारण कितना प्ले आ चुका है, और उसका एक्सल का जो पतरा है पीछे का यानी सेफ्टी गार्ड पलचील में डस्ट नहीं जाए इसके लिए वो भी पूरा डैमेज हो चुका है। तो एक्सल खोलने से पहले ब्रेक पाइप खोलना होगा हमें, रियर एक्सल व्हील सिलेंडर ब्रेक पाइप, क्योंकि वो खोलने के बाद ही आपकी लाइनर शू निकालने के बाद व्हील सिलेंडर खुलना उसको ज़रूरी हो जाता है, जिसके कारण थाली आपकी निकलेंगे नहीं। देखिए इसके लॉक पिन जो होते हैं लाइनर शू के वो भी डैमेज हो चुके हैं पूरे, उनको भी हमें चेंज करना होगा। तो खोल लेते हैं व्हील सिलेंडर ब्रेक पाइप। और वो खोलने के बाद खोलते हैं रियर एक्सल अशोक लीलैंड दोस्त एलएस मॉडल का रियर एक्सल के जो चार बोल्ट होते हैं पीछे से लगे हुए चार नट स्टड में, वो चार नटों को आपको खोलना है जो कि सीधे आटे वाले ही होते हैं और वो 15 नंबर के होते हैं, 8 फुट लेंथ वाला छोटा अशोक लीलैंड दोस्त है और चार बोल्ट वाला। देखिए पूरे लूज़ कर लेंगे पहले और फिर एक एक करके निकाल लेंगे। बोल्ट काफ़ी टाइट होते हैं, वो धूल मट्टी लगती है उसको, उसके कारण आटे टाइट हो जाते हैं। चारों बोल्ट को खोल लेना है साथ में ही, चारों बोल्ट खोलने के बाद लाइनर शू की जो प्लेट है रियर एक्सल की उस प्लेट को पहले लूज़ करना है आपको हल्का सा बाहर निकाल कर, और फिर उसके बाद निकलेगा आपका एक्सल और हब, जबकि हब इसके अंदर
क्रेज होता है और आपको एक ओरिंग होती है जिसके कारण उसमें से ऑयल आपका वेस्ट यानी बाहर नहीं होता। देखिए बोर्ड नट्स पूरे निकल चुके हैं, अब उसको थाली को हम बाहर लेंगे पहले और फिर जैसा पुश करेंगे तो फिर हब एक्सल के साथ बाहर आ जाएगा। देखिए ये बाहर आ चुका है और इसके अंदर होते हैं शिम्स, जो शिम्स आपका अलाइनमेंट करते हैं हब और बेयरिंग का, जिसके कारण आपके एक्सल में प्ले या टाइट शिम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अलाइनमेंट करते हैं उसका। अगर टाइट होगा तो शिम्स बढ़ाना होंगे और लूज़ होगा तो शिम्स कम करने होंगे। ये तो निकल चुका है अशोक लेलैंड दोस्त का रियर एक्सल LS मॉडल का 4 बोल्ट वाला एक्सल, देखिए और उसके अंदर कितना डेंजर हो चुका है, गर्म होकर ऑयल सील जल गए और लाइनर शू भी जल गए। देखिए सब किस जमा हो चुका है और ये ऑयल सील का रबर जल कर एक रिंग में बदल चुका है, यानी इतनी गाड़ी गर्म हो चुकी थी बेरिंग डैमेज होने के बाद फूटने के बाद अंदर की अंदर के ऑयल सील का जो रबर है उसको पिघल दिया पूरा और अंदर बेरिंग के और ऑयल सील के और बेरिंग के छर्रों के किस जमा हो गया। तो ये है वो शिम्स और ये शिम्स हम इसको ही वापस फिटिंग के टाइम पर काम में लेंगे। अरे मार्केट में अवेलेबल भी रहते हैं शिम्स, जिस तरह से जो साइज़ की चाहिए वो साइज़ के। और वो तो लगभग अब पूरा हब और एक्सल और उसका डिस्टर्न बेयरिंग पूरे डैमेज हो चुके हैं और ऑयल सील का हाल देखिए आप किस तरह से बेयरिंग फूटने के बाद एक्सल ऊपर जाने से रबर रिंग और वो सील के पतरे को तक उसने डैमेज कर दिया है एक्सल ने और ये बेयरिंग पूरी लॉस हो चुकी है यानी पूरी टूट चुकी है, अंदर कुछ भी नहीं बचा है, उसके कारण इतना खिला हो चुका है और सब उसमें कीस जमा हो गया है, अंदर ग्रीस नहीं रहा। देखिए सब बारीक बारीक बेरिंग के जाली के टुकड़े हैं और वो सब निकल रहे हैं, फिर भी हम इसको चेक करेंगे निकाल के प्रेशर को, पहले लॉक निकालना होगा उसका हमें और आगे से भी देख लीजिए आप आगे की जो ऑयल सील है इसकी वो भी पूरी ख़त्म हो चुकी है अंदर और वो पिघल चुकी है और उसके अंदर से बेरिंग के कोन और उसके पूरे टुकड़े हो चुके हैं, वो पूरा ख़राब हो चुका है, आपको नज़र नहीं आएगा वो, पर वो टूट चुकी है। तो निकालते हैं एक्सल का लॉक और देखते हैं उसको उल्टा पटक कर जो उसका डिस्टर्न प्रेशर है वो छोड़ता है या नहीं। गर्म होने के कारण एकदम फिट हो चुका है वो और वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, फिर भी देख लेंगे हम उसको पटक कर। वो तो नहीं छोड़ रहा है, अब उसको हम ले जाएंगे प्रेस पर हाइड्रोलिक प्रेस और वहाँ पर चेक करेंगे उसको प्रेस पर ले जाकर। तो लेके चले प्रेस के ऊपर अशोक लेलैंड दोस्त रियर एक्सल, लगाएंगे ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है मोटर के ऊपर चलती है विदाउट पंप के, उसको चेक करेंगे हम दबा कर। और हमारे सारे जॉब यहाँ पर ही आते हैं प्रेस करने के लिए, दूसरे और व्हीकल का हम जो काम करते हैं टाटा एस ये सब, तो अशोक लेलैंड दोस्त का एक्सल हमने
लेकर आए। अब देखते हैं प्रेस के ऊपर लगाकर जॉब प्रेस निकाल पाती है या नहीं इसको। तो निकालते हैं इसको, प्रेस करके भी अलाइनमेंट करेंगे उसका। पहले प्लेट भी डैमेज ना हो और हब भी डैमेज ना हो। वैसे तो हब ख़राब हो चुका है पहले से ही, फिर भी प्रेस पे प्रेशर देकर हम उसको चेक कर लेंगे। प्रेस के ऊपर सावधानी से काम करना होता है जिससे उड़के ना लगे। अगर प्रेस पर नहीं निकला तो उसको कट करना ही आपको पड़ेगा, और वैसे भी हम चेक कर रहे हैं वैसे हम काट कर ही निकालते हैं। अशोक लेलैंड दोस्त रियर एक्सल ओपन। और नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कि अशोक लेलैंड दोस्त फिटिंग किस तरह से की जाए।